सभी को एक साथ गुड मॉर्निंग। और क्योंकि हम लोगों का जो क्लास है वो आज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चल रहा है, कुछ बच्चे जो लोकल हैं यहाँ प्रेजेंट हैं और कुछ बच्चे जिनको अत्यधिक गर्मी लगती है बारिश के भी समय में वो छुट्टी पे हैं, तो सबको एक साथ लेकर के आज हम लोग आपके अध्याय 3 जिसका नाम है मानव जनन, और इसका आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 31 से लेकर के 7 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे। क्योंकि क्लास जो है ऑफिशियली बंद है जिसके कारण आज हम लोगों को लाइव भी आना पड़ रहा है और कुछ बच्चे क्लास में प्रेजेंट भी हैं, तो जो प्रेजेंट है उनको भी लाभ मिल जाएगा और जो अब्सेंट है वो भी ऑनलाइन माध्यम से आराम से इसका डिस्कशन कर सकते हैं। हम लोग आज शुरू करेंगे 31 प्रश्न जो कि आपके मानव जनन वुमेन रिप्रोडक्शन जो अध्याय है। मैंने आपको बताया भी है कि 9 जून को आप लोगों की परीक्षा होगी जिसमें अध्याय 3 और अध्याय 4 यानी जो एक जनन स्वास्थ्य अध्याय है और एक मानव जनन, इन दोनों अध्याय का आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव्स टेस्ट होने वाला है। क्योंकि थ्योरी की तैयारी आपकी हो गई होगी, ऑफलाइन क्लास में आपने उसका अध्ययन किया होगा, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन डिस्कशन भी हम लोगों को 9 जून से पहले अध्याय 3 और अध्याय 4 का जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं 31 नंबर सवाल से। देखिए 31 नंबर सवाल हमारा है कि किसी मादा में, इसको आप आराम से समझिए, कह रहा किसी मादा में यानी फीमेल में ब्लास्टोसिस्ट के लिए क्या सही है, ब्लास्टोसिस्ट के लिए क्या सही। अब आपको मैंने क्लास में बताया था इस ब्लास्टोसिस्ट के बारे में, ब्लास्टोसिस्ट के बारे में मैंने आपको क्लास में जब मैं आपको थ्योरी बता रहा था तो उस दौरान मैंने आपको ब्लास्टोसिस्ट के बारे में क्या बताया था, ब्लास्टोसिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे एस्पर्म और ओभा जब आपस में मिलते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हुआ कि फिलोपियन ट्यूब है, यहाँ पर जो है फिलोपियन ट्यूब है और इस फिलोपियन ट्यूब में यहाँ पर मान लीजिए फिलोपियन ट्यूब है। अब चूंकि ये संरचना छोटी आपको दिख रही है, इसी को जूम करके हम लोग यहाँ लाए तो फिलोपियन ट्यूब में ओभा रहता है। पहले से मैंने आपको बताया कि प्रत्येक फीमेल के फिलोपियन ट्यूब में मासिक चक्र के दौरान यहाँ पर ओभा जमा रहता है और ये ओभा स्पर्म के आने का इंतजार करता है। अगर कॉपुलेशन की क्रिया हुई और यूटेरस के माध्यम से स्पर्म यहाँ पर आया तो ओभा और स्पर्म, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पर्म दोनों आपस में मिलता है, दोनों आपस में क्या होता है मिलता है, और जब स्पर्म और ओभा आपस में मिल जाता है तो इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं जायगोट। क्या बोलते हैं? जायगोट, यानी स्पर्म और ओभा मिलने की क्रिया को तो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, लेकिन इस फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप जो बनता है उस बनने वाला जो है उसको बोलते हैं जायगोट। क्या बोलते हैं? जायगोट। लेकिन ये जायगोट जो ही बनता है, अब ये जायगोट जो है ना फाइनली फिर से यूटेरस की ओर बढ़ना शुरू कर देता है, मतलब इसको यूटेरस की जो आंतरिक भित्ति होती है इंडोमीट्रियम वहां पे जाकर के इसको स्थापित होना होता है। अब ये क्या हुआ कि ये जो जायगोट है अब ये जो ही फिलोपियन ट्यूब से यूटेरस की ओर बढ़ना शुरू करेगा, उसको गेट सटा दीजिए, यूटेरस की ओर जब ये बढ़ना शुरू होता है तो अब इसमें लगातार जो है विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस विभाजन की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं कैलिबेज अवस्था। क्या बोलते हैं? कैलिबेज। पहली बार ये 2 भाग में बढ़ता है, फिर 2 से 4 भाग में बढ़ता है, 4 से 16 भाग में बढ़ता है, जब ये 16 भाग में आता है तो इसको हम लोग मैरुला अवस्था कहते हैं। इसके बाद ये फाइनली जो है 59 से लेकर 64 कोशिकाओं का एक समूह बना लेता है जिसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, और फाइनली जो इसकी संरचना बनती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और ये ट्रोफोब्लास्ट जो है फीमेल के यूटेरस की जो आंतरिक भित्ति होती है जिसको हम लोग इंडोमीट्रियम कहते हैं, उस इंडोमीट्रियम में जा करके स्थापित हो जाती है और इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पर आपने समझा होगा कि जो है हमारा स्पर्म कहाँ है,
स्पर्म और ओवा मिला कहाँ? फिलोपियन ट्यूब में। मिलने के बाद स्पर्म और ओवा जायगोट बनाया और ये जायगोट अब 7 दिनों तक लगभग विभाजित होते रहेगा। और ये विभाजित होकर के पहले 2 भाग में बटेगा, 2 से 4 भाग में बटेगा, 4 से फिर जो है ये 8 भाग में बटेगा, 8 से 16 भाग में बटेगा और फिर फाइनली जो है ये हमारा बना लेगा ब्लास्टोसिस्ट या ट्रोफोब्लास्ट। और इसके बाद ये हमारा फीमेल का जो आंतरिक भित्ति है इंडोमेट्रियम, इसमें आकर के ये स्थापित हो जाए। तो ये थ्योरी अगर आप समझ में आ गया होगा, तो इस थ्योरी के आधार पर आप देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा किसी मादा में ब्लास्टोसिस्ट, किसी मादा में ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट का मतलब हो गया ये जो सबसे अंतिम संरचना जायगोट की जो बनी, इसको हम लोग बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट। ये हमारा फर्टिलाइजेशन के 6ठे दिन की प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्या है 6ठे दिन की प्रक्रिया। तो ये कह रहा किसी मादा में ब्लास्टोसिस्ट के लिए क्या सही है, तो ब्लास्टोसिस्ट के लिए क्या सही कि फाइनली जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इम्प्लांटेशन के साथ साथ ट्रोफोब्लास्ट कोशिका द्वारा इम्प्लांटेड हो जाता है। ये हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या कह रहा कि इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन का मतलब है फाइनली वो जो ब्लास्टोसिस्ट बना था ना वो अब ट्रोफो मतलब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रोफोब्लास्ट के साथ साथ ये जो है ना इम्प्लांटेड हो जाएगा, मतलब क्या यूटेरस में जाकर के स्थापित हो जाएगा, यूटेरस में जाकर के स्थापित हो जाएगा। तो एक का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब क्या कह रहा है कि किसी मादा में ब्लास्टोसिस्ट के लिए क्या सही है, तो किसी मादा में ब्लास्टोसिस्ट जायगोट की विभाजन की अंतिम अवस्था, और ये क्या कर रहा है कि इम्प्लांटेशन के साथ साथ ट्रोफोब्लास्ट कोशिका द्वारा इम्प्लांटेड हो जाता है, ट्रोफोब्लास्ट कोशिका द्वारा इम्प्लांटेड हो जाता है। यानी हमारा 31 का जो सही आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग देख ले रहे हैं हमारा जो दूसरा सवाल है इसको देख ले रहे हैं। देखिए हमारा अब जो है 32 नंबर सवाल, 32 नंबर सवाल को ध्यान से समझिएगा। ये आपका अध्याय 4 से, लेकिन इसको 3 में दे दिया है क्योंकि आपका थ्योरी अध्याय 4 भी खत्म है, तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक चीज आपको पता होगा कि जब आप थ्योरी पढ़ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव को समझने में काफी आसानी होती है। देखिए इधर करा कि परखनली शिशु को उत्पन्न करने में नीचे 4 ऑप्शन दिया है, किसकी आवश्यकता होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि परखनली शिशु का मतलब होता है कि कुछ महिलाएं ऐसी भी हमारे समाज में है या हमारे देश में या पूरे विश्व भर में है जिसकी फिलोपियन नलिका संकीर्ण होने के कारण स्पर्म और ओवा फिलोपियन नलिका में आपस में मिलकर के जायगोट बनाने में असक्षम होती है। तो इस प्रकार की महिलाओं में जो है ना टेस्ट ट्यूब बेबी यानी परखनली शिशु के माध्यम से बच्चे उत्पन्न कराए जाते हैं। तो इसमें क्या करना, इसमें क्या होता है कि वैज्ञानिक के द्वारा कांच की एक परखनली बनाई गई है और इस परखनली में जो वातावरण आपका फिलोपियन ट्यूब में है उसी वातावरण को यहाँ पर कांच की परखनली में बनाया जाता है। और इस वातावरण में क्या होता है कि महिलाओं के ओवा को निकाल लिया जाता है और उसके फीमेल पार्टनर के स्पर्म को निकाला जाता है और इन दोनों को कांच की परखनली में रख करके फिलोपियन ट्यूब में जैसा वातावरण है वही वातावरण दिया जाता है और स्पर्म और ओवा दोनों को मिलाकर के जायगोट बना लिया जाता है और इस जायगोट को फिर से फीमेल के यूटेरस में स्थापित कर दिया जाता है। क्योंकि मैंने आपको पूर्व में ही बताया था कि इसमें फिलोपियन नलिका में गड़बड़ी होती है जबकि इसका यूटेरस बिल्कुल सही होता है। अब फिलोपियन नलिका जब गड़बड़ है तो स्पर्म और ओवा आपस में नहीं मिलेगा, तो इस स्पर्म और ओवा को कांच की परखनली में आर्टिफिशियल तरीके से इसको मिलाया जाता है और इसको मिलाने के बाद इसको जायगोट बना लिया जाता है और इस जायगोट को फिर से फीमेल के यूटेरस में स्थापित कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा कि परखनली शिशुओं को उत्पन्न करने में निषेचन बाह्य होता है, यानी जो निषेचन का मतलब क्या हुआ स्पर्म और ओवा का आपस में मिलना, तो ये क्रिया क्या हो गया बाय हो गया मतलब शरीर से बाहर हो गया। लेकिन भ्रूण का निर्माण शरीर के अंदर होता है
मैंने आपको बताया है कि ये जब जायगोट बन जाता है ना, तो इस जायगोट को पुनः फीमेल के यूटेरस में स्थापित कर दिया जाता है। तो जब इसको स्थापित कर देते हैं तो भ्रूण का निर्माण क्या होगा, शरीर के अंदर होगा। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यही बिल्कुल सही हो गया, यानी 32 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी जो प्रखनली शिशु है इसमें निषेचन होगा बाहर, लेकिन भ्रूण का निर्माण होगा शरीर के अंदर। भ्रूण का निर्माण कहाँ होगा, शरीर के अंदर। भ्रूण का निर्माण कहाँ होगा, शरीर के अंदर। क्लियर है ना, आगे बढ़े। चलिए, जिनको डाउट हो चुकी, जो ऑनलाइन पढ़ रहे वो तो बाद में पूछेगा, लेकिन जो क्लास में बैठे हुए हैं अगर डाउट हो दोबारा पूछिए, क्योंकि आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन ऑनलाइन वाले बच्चों को जिसको अत्यधिक गर्मी लग रहा है और गर्मी के चक्कर में अभी घर पे है, समझा ना, अभी सब इंटर में है। कुछ दिन के बाद पिताजी अगर कहेगा ना कि भाई कुछ नहीं हो रहा, शादी विवाह कर लो, इकलौता बेटा है, तब देखो लड़की जब देखने जाएगा ना तो लड़की उसको एकदम चाहिए, लेकिन अभी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रहा, बाकी तुम लोग समझदार है, समझे ना। चलिए अगला सवाल देखिए, आंसर हो गया 32 का ए नंबर। देखिए अब अगला सवाल है हमारा 33 नंबर, कह रहा है कि पार्टुरेशन के लिए संकेत कहाँ से उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रसव, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रसव, प्रसव। इसका दूसरा नाम होता है डिलीवरी, क्या होता है, डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब होता है कि जब बच्चे माँ के गर्भ में 9 महीने डेवलप हो जाता है तो एक स्वस्थ शिशु के रूप में माँ के गर्भाशय से वो बाहर निकलता है, और इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रसव, क्या बोलते हैं, प्रसव। ये सामान्यतः महिलाओं में इसकी जो अवधि होती है 9.5 मंथ होती है, मतलब 9 महीना और लगभग 5 दिन, यानी इसी के बीच में जो है ना एक बच्चे पूर्ण रूप से विकसित होकर के एक स्वस्थ शिशु के रूप में जन्म लेता है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी महिला में डिलीवरी का समय आ गया तो संकेत कहाँ से आना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लो कि अभी तुम ही लोग में क्या होता है, अभी क्लास कर रहे हैं और 8 बज जाएगा तो घड़ी का बहुत लोग अलार्म लगा कर रखते हैं, जो ही 12 बज जाएगा टिक टिक करना शुरू कर देता है और आपको लगने लगता है दूसरा कोचिंग जाना। इसी तरह से जब एक बेबी 9 महीने तक माँ के गर्भ में डेवलप हो जाता है तो माँ के गर्भ से कुछ संकेत उत्पन्न होने लगते हैं, वो संकेत क्या है। तो ये जो संकेत है ना ये शुरू होता है कहाँ से, प्लेसेंटा तथा पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु से। यानी प्लेसेंटा जो कि बच्चों को पोषण देने का काम करता है, आपको पता है ना प्लेसेंटा क्या है, कि जब तक बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं तो प्लेसेंटा बच्चों को पोषण दे रहा माँ के आहार नाल से ले लेकर के, तो प्लेसेंटा से भी संकेत आने शुरू हो जाते हैं। और ये जो पूर्ण रूप से विकसित जो गर्भस्थ शिशु है, बच्चे हैं, ये भी जो है हाथ पांव चलाना शुरू कर देगा और यहाँ से संकेत उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, ये बार बार पुशअप करने लगता है माँ के गर्भ से बाहर आने के लिए। यानी याद रखिएगा कि जब भी प्रसव की क्रिया होती है ना तो प्लेसेंटा से विभिन्न प्रकार के हार्मोन शुरू रिलीज होना शुरू हो जाता है, यानी महिलाओं में ये पता चल जाता है कि अब बच्चों की डिलीवरी होने वाली, और साथ ही साथ जो पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु है रे बालक, वहां से भी जो है ना संकेत उत्पन्न हो जाता है, उसके बाद पेट में दर्द शुरू हो जाती है और सीधे सीधे बच्चों की डिलीवरी की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है। तो याद रखिएगा 33 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 33 का जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए 34 नंबर आपका सवाल है कि निम्नलिखित में से मासिक चक्र की अवधि के लिए कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से मासिक चक्र की अवधि के लिए कौन सा कथन सही है। देखो हम सबको पता है कि जब कोई महिला 11 से 13 वर्ष की आयु में प्रवेश करती है तो उनके जननांग से ब्लड का स्राव होना शुरू हो जाता है और यह प्रक्रिया लगभग 40 से 45 वर्षों तक चलते रहती है। इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं जनन अवस्था, बताए थे ना, इस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, जनन अवस्था। तो इस जनन अवस्था के दौरान प्रत्येक महिला के जननांग से 29 दिनों के अंतराल में ब्लड का स्राव होता है। 29 दिनों के अंतराल में क्या होता है, ब्लड का स्राव होता है। 29 दिनों के अंतराल में ब्लड का स्राव होता है।
जिसको हम लोग बोलते हैं मासिक चक्र। क्या बोलते हैं? मासिक चक्र। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मासिक चक्र अवधि के लिए कौन सा कथन सही है। तो देखिए, मासिक चक्र की अवधि के लिए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ये बिल्कुल सही है। कैसे सही है इसकी हम लोग पुष्टि करते हैं। यहाँ पर है क्या कि इंडोमीट्रियम, इंडोमीट्रियम का मतलब होता है यूटेरस का आंतरिक भाग का पुनः निर्माण पांचवें से दसवें दिन के बीच। जैसे जब भी मासिक चक्र होता है ना, उसके पांचवें दिन से लेकर के दसवें दिन के बीच क्या होता है कि यूटेरस की जो आंतरिक भित्ति होती है जिसका नाम होता है इंडोमीट्रियम, उसकी स्थापना होती है। और ये इंडोमीट्रियम का काम क्या है, जब जायगोट अगर इधर आएगा ना ट्रोफोब्लास्ट के रूप में, क्या जी, या फिर ब्लास्टोसिस्ट के रूप में, तो उससे निकलने वाले उंगलीनुमा संरचना और या इंडोमीट्रियम से निकलने वाले उंगलीनुमा संरचना दोनों आपस में जुड़ करके इंटर डिजिटेशन वाली प्रक्रिया को करेगा और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ करके इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया को पूरा करेगा। तो याद रखिएगा कि मासिक चक्र के अवधि के पांच से दस दिन के भीतर यूटेरस के जो इंडोमीट्रियम है ना, इसका प्रत्येक महीना निर्माण होता है। और इसका काम क्या है कि अगर महिलाएं फर्टिलाइजेशन की क्रिया करती है, स्पर्म और ओवा आपस में मिलकर के जायगोट बनता है और इस जायगोट को ब्लास्टोसिस्ट के रूप में इसी इंडोमीट्रियम में स्थापित करना होता है। तो एक महिला में प्रत्येक महीना मासिक चक्र के पांचवें से दसवें दिन के बीच उसमें इंडोमीट्रियम की क्या होती है, स्थापना होती है। तो 34 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 34 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 35 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए 35 नंबर सवाल कह रहा है, ध्यान से देखिए बोर्ड पे है, सहगर्भता के दूसरे माह के अंत में, सहगर्भता मान लो कि कोई महिलाएं जो है 1 जनवरी 2024 को प्रेग्नेंट हो गई, तो इसके दो महीने के बाद यानी जनवरी और फरवरी यानी मार्च के पहले महीने में कि बच्चों में क्या क्या विकसित हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि गर्भावस्था के क्या कह रहा है, दूसरे माह के अंत तक एक बच्चों की पैर एवं हाथ की उंगलियां विकसित हो जाती है। तो हमारा जो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, जबकि आपके मटेरियल में इसका आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल गलत है, उसको आप सही कर लीजिए। आपको जो भी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड कराते हैं उसमें बहुत सारी त्रुटियां भी होती हैं और उसको हमको पता कि ये गलती है, जानबूझ करके भी छोड़ कर रखते हैं, क्योंकि मैं बाद में आपका ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कराता हूँ उसमें आप इसको सुधार सकते हैं, समझे ना। तो इसका आप जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उसको लाभ मिल जाएगा। और या कुछ कुछ कॉमन एरर हो जाता है जो बच जाता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रत्येक सेशन ये सही हो। तो याद रखिएगा 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्या था क्वेश्चन, इस सहगर्भता के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण में विकसित हो जाता है, तो क्या क्या विकसित हो जाता है, पैर एवं हाथ की उंगलियां, पैर एवं हाथ की उंगलियां किसमें विकसित हो जाती है, याद रखिएगा ये जो है आपको बच्चा जो डेवलप हो रहा है माँ के गर्भ में उसमें ये विकसित हो जाता है। तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए यानी आंसर हो जाएगा 35 का हमारा बी नंबर। अगला सवाल देखिए, कहता है नर, या क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा कि नर जर्मिनल कोशिकाएं होती है। देखो मैंने आपको पूर्व में भी बताया था, एक ट्रिक याद रखिए, जब भी कोशिका लिखा रहे ना समझ जा द्विगुणित, कोशिका मतलब द्विगुणित। क्यों? क्योंकि कोशिका का निर्माण में पूरा का पूरा क्रोमोसोम आएगा, उसके मेल का भी क्रोमोसोम आएगा और फीमेल का भी क्रोमोसोम। जैसे मनुष्य की कोशिका की बात करें तो मनुष्य की कोशिका में कुल मिलाकर 46 क्रोमोसोम है और ये 46 क्रोमोसोम कहाँ है, 23 मेल से आया है और 23 फीमेल से आया है। तो मेल का एक एन और फीमेल का भी एन, दोनों मिलाकर 2n हुआ ना, यानी द्विगुणित हो गया। तो कोशिका हमेशा क्या होता है, द्विगुणित होता है, कोशिका हमेशा क्या होगा, द्विगुणित होगा, याद रखिए। तो 36 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 36 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर सवाल देखिए, सवाल कह रहा है डिंब वाहिनी नलिका, डिंब वाहिनी पहली बार आप नाम सुने होंगे, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फिलोपियन ट्यूब, हम बताए थे ना, यानी फिलोपियन नलिका, गर्भाशय तथा योनि ये सब को मिला दिया जाए, क्या क्या, एक महिला का फिलोपियन ट्यूब, दूसरा क्या है जी, गर्भाशय माने यूटेरस, योनि यानी वेजाइना,
इन सभी को अगर मिला दिया जाए, इस समुचित अंग को हम लोग स्त्री सहायक नलिका के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? स्त्री सहायक नलिका के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा कि जब महिला के फिलोपियन ट्यूब को, यूटेरस को और उसके वेजाइना को, इन तीनों नलिकाओं को अगर आपस में मिला दिया जाए तो इस नलिका को हम लोग बोलते हैं स्त्री सहायक नलिका या स्त्री सहायक जनन नलिका, इसको हम लोग जानते हैं। तो 37 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 37 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 38 नंबर सवाल है। देखिए ये ऊपर वाला गलत लिख दिया गया, इसको काट दीजिए, कोई क्वेश्चन को यहाँ पर रिपीटेशन हुआ है। नीचे सवाल है, यहाँ देखिए 38 नंबर, करसीसन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पेनिस, क्या बोलते हैं? पेनिस का अंतिम जो ढीला वाला भाग, जैसे मान लीजिए आपका पेनिस है और आप देखते होंगे कि पेनिस का जो आगे वाला जो स्किन होता है ये ढीला स्किन होता है ना जी। पेनिस का जो आगे वाला स्किन होता है वो कैसा स्किन होता है? एक ढीला ढाला स्किन होता है। पेनिस का जो आगे वाला स्किन है वो आपका ढीला ढाला स्किन होता है। इस स्किन को हम लोग बोलते हैं फोर स्किन, याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं? फोर स्किन। यानी पेनिस का जो आगे वाला जो त्वचा होता है वो एक ढीला त्वचा होता है, क्या जी, जो कि इस ढीली त्वचा को हम लोग बोलते हैं फोर स्किन। इसी को हिंदी में बोलते हैं अग्रछद। क्या बोलते हैं? अग्रछद। याद रखिएगा, मैंने थ्योरी में आपको बताया था ना कि पेनिस का जो आगे वाला भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं फोर स्किन और इसी को हिंदी में बोलते हैं अग्रछद। क्या बोलते हैं? अग्रछद। यानी आपका 37 का जो सही आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलिए 39 नंबर देखते हैं। यहाँ पर हमारा सवाल कह रहा है कि कॉपर्स ल्यूटियम, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉपर्स ल्यूटियम, हम लोग अगला सवाल देख ले रहे हैं कि कह रहा कि सवाल है कि कॉपर्स ल्यूटियम किस हार्मोन्स को स्रावित करता है। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉपर्स ल्यूटियम किसको कहते हैं। हम सबको पता है कि अंडाशय, और इस अंडा ये मादा में कितना रहता है, इसकी संख्या रहता है 2, और इस अंडाशय से जब ओभा बाहर निकल जाती है, जैसे मान लो यहाँ पर ओभा है और ये ओभा ये अंडाशय से बाहर निकल जाती है तो जहाँ पर पहले से ओभा रहता है ना वहाँ पर एक पीली संरचना बन जाती है। वहाँ पर क्या बन जाती है? पीली संरचना बन जाती है। इसी पीली संरचना को हम लोग बोलते हैं कॉपर्स ल्यूटियम। क्या बोलते हैं? कॉपर्स ल्यूटियम। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर्स ल्यूटियम किस हार्मोन्स को स्रावित करता है, किस हार्मोन्स को ये क्या करता है? स्रावित करता है। तो याद रखिएगा ये जो हमारा कॉपर्स ल्यूटियम है ये प्रोजेस्टोन नामक हार्मोन्स को स्रावित करता है। किसको करता है? प्रोजेस्टोन नामक हार्मोन्स को स्रावित करता है। ये जो प्रोजेस्टोन हार्मोन्स है ना इसको मादा हार्मोन्स भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मादा हार्मोन्स भी कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा हार्मोन्स है, तो वहां पर आप आंसर दीजिएगा कि प्रोजेस्टोन जो है वो हमारा मादा हार्मोन्स है। ये प्रोजेस्टोन कहाँ से निकलता है? तो बच्चों ये प्रोजेस्टोन निकलता है कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा। किसके द्वारा स्रावित होता है? कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होता है। तो 39 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था कि कॉपर्स ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो याद रखिएगा कॉपर्स ल्यूटियम चूंकि एक मादा जननांग वाला भाग है इससे मादा हार्मोन्स निकलता है और इस मादा हार्मोन्स का नाम होता है प्रोजेस्टेरोन। तो 39 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग चलते हैं 40 नंबर पे। देखिए 40 नंबर जो हमारा सवाल है कह रहा कि गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर अगर कोई महिला क्या करता है, अपने गर्भ में पले बच्चे को खत्म करवा देता है या फिर उसको मतलब पूर्ण रूप से विकसित होने नहीं देता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को बच्चों कहते हैं, याद रखिएगा, चिकित्सीय सहगर्भता समापन या फिर इसको आप MTP कह सकते हैं, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं शॉर्ट में MTP यानी मेडिकल
टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर इसको आसान भाषा में आप गर्भपात भी कह सकते हैं, जिसको गर्भपात यानी एबॉर्शन, या फिर इसे अंग्रेजी में इसको बोलेंगे एबॉर्शन। तो बहुत जगह आप देखते होंगे हमारे समाज में कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती है या बहुत सारी ऐसी लड़की होती है जो अपने पेरेंट्स के इच्छा के अनुसार क्या होता है कि बिना शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाती है, या बहुत बार ऐसा होता है कि कोई महिला प्रेग्नेंट हुई है और बाद में अगर उसका जांच किया गया तो पता चला कि बच्चे किसी जेनेटिक डिसऑर्डर से ग्रसित हैं या फिर वो विकलांग की स्थिति है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि महिलाएं अपने स्वेच्छा पूर्वक यानी अपनी मर्जी से जानबूझ करके गर्भ को पूरा होने से पहले ही गर्भ को समाप्त कर लेता है। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या हिंदी में इसको गर्भपात कहते हैं, और इसी का जो है ना दूसरा नाम होता है चिकित्सीय सहगर्भता समापन। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये जो MTP की क्रिया है ये 3 से 4 महीनों तक ही सेफ है। अगर इसके बाद कोई MTP की क्रिया करवाते हैं या एबॉर्शन करवाते हैं या फिर चिकित्सीय सहगर्भता समापन कराते हैं, इससे तो बच्चे तो मरेंगे ही, साथ साथ जो जिनके गर्भ में ये बच्चा पल रहा होता है उनके भी मरने की संभावना काफ़ी अधिक हो जाती है। और बहुत सारे लोग MTP आजकल इसलिए भी कराते हैं कि जो हमारे यहाँ ये जो क्या है कि मतलब लिंग, मतलब अगर गर्भ में कुछ लोगों को पता चल जाता है कि महिला है लड़की है तो वो लोग लड़की को बोझ समझते हैं और वो क्या करते हैं कि MTP के क्रिया के द्वारा जानबूझ करके गर्भ में ही उसको मार दिया जाता है। इसको लेकर के सरकार अभी काफ़ी सख्त है, इस पर कानून भी बने हैं और MTP को रोकने के लिए एक अलग से कानून हमारे देश में, ताकि लिंग अनुपात में कोई विशेष छेड़छाड़ ना हो। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या था बच्चों कि गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले अगर कोई महिला अपने मन से अपने गर्भ को समाप्त करवा लेती है, इस क्रिया को याद रखिएगा चिकित्सीय सहगर्भता समापन, या फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर MTP, या फिर गर्भपात, या फिर एबॉर्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हमारा बी नंबर एक ऑप्शन है, तो हमारा इसका जो सही आंसर हो जाएगा 40 का वो हो जाएगा बी नंबर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता किस माह में देखी जा सकती है। जैसे बच्चे किस माह में माँ के पेट के अंदर जो ना उछल कूद करना शुरू कर देता है, हाथ पांव चलाना शुरू कर देता है, समझे, और साथ ही साथ जो है वो माँ को एहसास होने लगता है कि गर्भ में जो बच्चा है ना वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहा है। वो अपने घर के दूसरे सदस्यों को भी दिखाता है कि देखो जो गर्भ में पल्ला बच्चा होता है ना उसमें हलचल शुरू हो गई, वो क्या करता है किक करना शुरू कर देता है। तो याद रखिएगा कि माँ के गर्भ में पल्ला जो बच्चा है ना वो 5वें माह में जो है ना उसमें गतिशीलता आ जाती है, वो जो है निश्चित रूप से उसमें गति आ जाती है और कहीं ना कहीं जो है उसका जो ये कंडीशन है वो उसमें बढ़ावा आता है और वो अपने अंदर जो है गतिशीलता उत्पन्न करती है। तो याद रखिएगा कि गर्भावस्था के दौरान गर्भ में पहली बार जो गतिशीलता देखने को मिलती है वो कब मिलती है, तो वो 5वें महीने में मिलती है। कब मिलती है, 5वें महीने में मिलती है, यानी 5 महीने में अगर कोई 5 महीना का जब उसमें प्रेगनेंसी अगर किसी महिला में, तो स्पष्ट रूप से जो फीटस है ना माँ के गर्भ में उसमें हलचल स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो 41 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच कम वाहिनी संपर्क बनाने वाली जो संरचना होती है उसको हम लोग बोलते हैं अपरा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं अपरा, यानी माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो और माँ का जो गर्भाशय है उन दोनों के बीच में जो एक क्या है संपर्क स्थल है, दोनों को जोड़ने वाला जो कड़ी है, उस कड़ी को बच्चों हम लोग बोलते हैं अपरा, उस कड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं अपरा बोलते हैं, यानी प्लेसेंटा का नाम आप सुना होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा कि भ्रूण यानी जो बच्चा पल रहा है और गर्भाशय मतलब जहाँ पर वो ऑलरेडी पहले से एस्टेब्लिश हुआ, उन दोनों के बीच जो कड़ी है उसको जोड़ने वाला जो फैक्टर है उसको हम लोग बोलते हैं अपरा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे अपरा। यानी 42 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट जो हमारा सवाल है 43 नंबर, कह रहा कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में
कितने अंडे उत्पन्न कर सकती है। मतलब क्या कि जैसे कोई महिला है वो 11 से लेकर के 13 वर्ष की आयु में इसमें क्या होता है कि मासिक चक्र की प्रक्रिया शुरू होती है और यह लगभग जो है 40 से 45 वर्षों तक चलते रहती है। और इस बीच की जो अवस्था होती है इस अवस्था को महिला में बोलते हैं जनन काल। इस अवस्था को महिला में बोलते हैं जनन काल। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्वस्थ महिला में पूरे जीवन काल में, पूरा जीवन काल कहने का मतलब है कि जब तक इसमें मासिक चक्र की प्रक्रिया संपन्न हो रही है, मतलब इसमें जो जनन काल है वहां तक में क्या कि कितने अंडे मोचित करेगी। मतलब क्या इस पूरी अवधि के दौरान इसके जो ओवरी है, मतलब इनका जो अंडाशय है, इस अंडाशय से कितने ओवरी जो है वो रिलीज होगा। तो याद रखिएगा कोई अगर स्वस्थ महिला है उसमें मासिक चक्र के दौरान एक महीना में जो है ना कुल मिलाकर के 2 अंडे मोचित होते हैं। तो इस तरह से ये 11 से 13 वर्ष की आयु से लेकर के 40 से 50 वर्षों के बीच में कुल मिलाकर के एक महिला में 400 अंडे मोचित होंगे। एक महिला में कितना 400 से, या ज्यादातर हो तो लगभग 450 तक, मतलब 400 से लेकर के 450 के बीच इसमें अंड मोचित होंगे। और एक अंड की क्षमता है कि उससे अगर स्पर्म मिलता है तो एक बच्चे की उत्पत्ति हो सकती है। इसका मतलब है कि एक महिला के पूरे जीवन काल में जितने भी अंडे अगर उन सभी का उपयोग कर लिया जाए तो लगभग 450 बच्चे एक महिला के माध्यम से, या 400 बच्चे जो है उससे उत्पन्न कराए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप याद रखिएगा कि एक स्वस्थ महिला में अंड का उत्सर्जन तभी से होगा जब वो जनन काल में प्रवेश करे। तो जनन काल में वो कब प्रवेश करेंगे, जब उनमें मासिक चक्र की क्रिया शुरू होगी। और मासिक चक्र की जो क्रिया होती है वो 11 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है और लगभग 40 से 50 वर्षों तक होते रहती है। इससे पूर्व जो महिलाओं में अवस्था होती है उसको हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं और इसके बाद की जो अवस्था होगी उसको हम लोग जीर्णावस्था कहेंगे। यानी कि अगर कोई महिला 50 वर्ष की आयु को पार कर जाती है तो उसमें उस स्वतः ही जो है ना मासिक चक्र की प्रक्रिया रुक जाएगी और इस अवस्था को हम लोग बोलेंगे जीर्णावस्था। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था कि एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में कितने अंडे उत्सर्जन कर सकती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 400 से लेकर के 450। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया गया है कितना, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 400। तो इसीलिए हमारा 43 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 43 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल है कि गर्भाशय में कॉपर टी, ये एक प्रकार की युक्ति है, कॉपर टी एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है। यानी सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये कॉपर टी है क्या। कॉपर टी मानव के द्वारा निर्मित एक उपकरण है। जैसे कि इसकी आकार अगर आप बात करेंगे तो टी के आकार की होती है, इस तरह की, इसीलिए इसका नाम रखा गया कॉपर टी। देखिए ये एक प्रकार के मानव द्वारा बनाया गया युक्ति है, क्योंकि इसकी जो संरचना है वो टी के आकार की है, इसीलिए इसको हम लोग जो है ना कॉपर टी के नाम से जानते हैं। इसीलिए इसको हम लोग जो है ना कॉपर टी के नाम से जानते हैं। इसका काम क्या है, इसका काम होता है कि जैसे यूटेरस जो है उस यूटेरस के बीच में इसको लगाया जाता है ताकि अगर स्पर्म यहाँ पर रिलीज हो तो ये स्पर्म जो है ना फिलोपियन ट्यूब की ओर बढ़ ना सके, क्योंकि ये टी के आकार का होता है और इधर आपको पता है कि हमारा रहता है फिलोपियन नली का, इधर भी हमारा है फिलोपियन नली का। या तो आपको याद रखना है कि या तो यहाँ पर अंड होगा या फिर यहाँ पर अंड होगा। और स्पर्म जो रिलीज होता है वो कहाँ होता है, वो यूटेरस के बीच में होता है। तो अगर किसी महिला में कॉपर टी लगा हुआ है इसका मतलब है कि स्पर्म जब यहाँ से रिलीज होगा तो ये जो कॉपर टी है इस स्पर्म को ओभा के पास पहुँचने नहीं देगा। तो यानी कॉपर टी का मुख्य काम क्या हो गया कि ये क्या करेगा, कॉपर टी का मुख्य काम हो गया कि शुक्राणु के निषेचन क्षमता को क्या कर देगा, ये कम कर देगा। यानी शुक्राणु जो है वो ओभा तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो हमारा जो ये 44 नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा कि गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं का भक्षण में वृद्धि, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया गया है गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि शुक्राणु के जो निषेचन क्षमता इसमें कमी ला देगी, क्योंकि स्पर्म और ओभा दोनों को आपस में मिलने ही नहीं देगा, क्योंकि ये बीच में क्या है कि एक प्रकार का लूप बना लेती है।
यूटेरस वाला जो स्पर्म है वो किसी भी परिस्थिति में जो है फिलोपियन नलिका में नहीं पहुंच पाएगी। तो 44 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शुक्राणु की जो निषेचन क्षमता है इसको कम कर देगा, शुक्राणु की जो निषेचन क्षमता है इसको कम कर देगा। यहाँ क्या रहा है, गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की जो पक्षाणु क्रिया इसमें वृद्धि हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। यानी सीधा सीधे इसका मतलब है कि जो कॉपर्टी है ना वो स्पर्म और ओवा को आपस में बिल्कुल भी मिलने नहीं देगा, क्योंकि स्पर्म को ये यूटेरस तक ही रख देगा और ओवा को ओवा के मतलब फिलोपियन ट्यूब में ही रहने देगा, यानी स्पर्म और ओवा को आपस में मिलने नहीं देगा। चलिए 45 नंबर सवाल है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जो जीन है, सबसे अधिक और सबसे जो अधिक जीन है वो मानव के किस गुणसूत्र में पाए जाते हैं, याद रखिए, यानी इस पे ध्यान रखिए। जैसे एक मनुष्य में कुल मिलाकर के 46 क्रोमोसोम है, इन 46 क्रोमोसोम में जो पहला क्रोमोसोम होगा उस पर सबसे अधिक जीन होगा, याद रखिए उसमें सबसे अधिक क्या होगा, जीन होगा। ये जीन का मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक जीव की जो अपनी एक अनुवांशिक लक्षण होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफर होती रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं जीन। तो अगर मनुष्य में कुल मिलाकर के 46 क्रोमोसोम है, एक मानव में कुल मिलाकर क्रोमोसोम की संख्या कितनी, 46, तो प्रत्येक क्रोमोसोम के ऊपर जीन अवस्थित रहता और जो सबसे पहला क्रोमोसोम होगा उसमें सबसे अधिक जीन होगा और जो सबसे अंतिम क्रोमोसोम होगा उसमें सबसे कम जीन होगा, याद रखिए उसमें सबसे कम जीन होगा। तो याद रखिएगा इसी का आंसर रखा था सबसे अधिक, अभी मैंने तुरंत बताया कि सबसे अधिक का मतलब जो आपका गुणसूत्र संख्या एक होगा उसमें सबसे अधिक होगा और जो सबसे लास्ट में है वो एक्स क्रोमोसोम है और इस पे सबसे कम जीन होगा। तो याद रखिएगा जो पहला गुणसूत्र है इसमें सबसे अधिक जीन होगा और जो सबसे अंतिम यानी एक्स वाला क्रोमोसोम है इसमें सबसे कम जीन होगा और इसमें सबसे क्या हो जाएगा, अधिक जीन हो जाएगा। तो इस आधार पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 45 का हमारा बी नंबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए, जीन, जीन का मतलब होता है कि क्रोमोसोम के ऊपर रेखीय क्रम में पाए जाने वाले अनुवांशिकी की मूलभूत इकाई जिसमें जीवों की अपनी पहचान छुपी होती है और यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहती है। तो अब क्या कह रहा कि सबसे अधिक जीन, तो याद रखिएगा जैसे मानव में कुल मिलाकर 46 क्रोमोसोम, तो 46 क्रोमोसोम में जो सबसे पहला क्रोमोसोम होगा तो पहला कौन है, तो गुणसूत्र संख्या एक, तो यहाँ लिखा लेना गुणसूत्र संख्या एक जो पहला क्रोमोसोम होगा इसमें सबसे अधिक क्रोमोसोम होगा यानी जीन होगा, सॉरी क्या होगा, जीन होगा, और जो सबसे लास्ट में जो क्रोमोसोम है सबसे लास्ट में कौन है, एक्स क्रोमोसोम होता है, तो इसमें क्या होगा, सबसे कम जीन पाया जाएगा। तो यहाँ याद रखिएगा सबसे अधिक किसमें, तो गुणसूत्र संख्या एक में, और सबसे कम किसमें, तो वाई में। तो इस आधार पर हमारा जो 45 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि गर्भाशय के बाद, सॉरी गर्भ धारण करने के बाद, जैसे मान लीजिए कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई, तो अब प्रेग्नेंट होने के बाद उसके जो यूरिन है उसका जो मूत्र है उसे एक विशेष प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, इस हार्मोन्स को बोलते हैं HCG, इस हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, HCG। जैसे अगर कोई महिला कॉपुलेशन की क्रिया की और कॉपुलेशन की क्रिया के बाद 7वें दिन के बाद वो प्रेग्नेंट हो सकती है, अगर स्पर्म और ओवा आपस में मिलकर जायगोट बना लिया तो निश्चित रूप से क्या होगा, प्रेग्नेंट होगी। तो जो ही वह महिला प्रेग्नेंट होगी तो उसके मूत्र से, उसके यूरिन से एक हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं HCG, और इसी हार्मोन्स के कारण आप सबको पता होगा कि बाजार में आजकल एक किट मिलता है जिसके यहाँ पर बीच में एक आपको ड्रॉप टाइप का बना रहता है, यहाँ पर आपका लाइनिंग वाला दो बना रहता है, अगर इस इसके इसके ट्यूब पे अगर हम कुछ बूंद यूरिन का डालते हैं तो यहाँ पर आपका जो है ना कलर जो हो जाता है यहाँ पर रेड, अगर यहाँ पर रेड कलर हो गया तो इसका मतलब इसके यूरिन में क्या है, HCG है, और HCG है का मतलब क्या, महिला प्रेग्नेंट है। तो प्रेगनेंसी को जांच करने में भी इसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन यहाँ पर आपको इस बात को याद रखना कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई तो उसके यूरिन में, उसके मूत्र में एक हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाएगा, इस हार्मोन्स का नाम होता है HCG। तो हमारा 46 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
देखिए अगला सवाल कह रहा है कि नेत्र लेंस किसका बना होता है। देखिए हमारे शरीर में जितने भी जननांग हैं, चाहे हमारा आंख हो कि हमारा हृदय हो कि हमारा किडनी हो कि लीवर हो कि मस्तिष्क हो या फिर रीढ़ की हड्डी हो, वो कुल मिलाकर के 3 जनन परतों से बना होता है जिसका नाम होता है इंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीसोडर्म। याद रखिएगा हमारे हॉल बॉडी मतलब पूरा का पूरा जो शरीर है ना, इस पूरे बॉडी का निर्माण होता है कुल मिलाकर के 3 जनन परत के द्वारा, या तो इंडोडर्म या फिर एक्टोडर्म या फिर मीसोडर्म। याद रखिएगा इन तीनों के ही माध्यम से हमारे बॉडी का जितना भी पार्ट है उसका निर्माण होता है। तब इसमें से क्या होता है कि कुछ अंग का निर्माण इंडोडर्म से होगा, कुछ अंग का निर्माण एक्टोडर्म से होगा और कुछ अंग का निर्माण जो है वो मीसोडर्म से होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको जिस समय थ्योरी बता रहा था तो बच्चों को बताया था, इस टॉपिक को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, कम से कम 3-4 ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो पूछे जाते हैं कि एक्टोडर्म से कौन सा जननांग अंग बन रहा है, मीसोडर्म से कौन सा अंग बन रहा है और एक्टोडर्म से कौन सा अंग बन रहा है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है कि नेत्र लेंस मतलब आंख किससे बनता है, तो याद रखिएगा ये बनता है एक्टोडर्म से। किससे बनता है? एक्टोडर्म से बनता है। यानी हमारी जो आंख है वो किस जनन परत से बनता है, तो याद रखिएगा ये बनता है एक्टोडर्म से। फिर अब उसी में सवाल है और ये सवाल बिल्कुल गलत है, देखिए चूंकि अनकम्प्लीटेड सवाल है। कह रहा कि निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी निर्मित होते हैं। अब सभी निर्मित होते हैं इसमें किसी या तो मीसोडर्म या फिर एक्टोडर्म या फिर इंडोडर्म किसी एक का मेंशन करना चाहिए तब जाकर के ऑप्शन हमारा सही हो पाता। तो ये जो क्वेश्चन है ये अनकम्प्लीट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है कि स्तनधारी के भ्रूण नाभि में रक्त का प्रभाव होता है। स्तनधारी का मतलब जिसमें मानव आते हैं, तो स्तनधारी में जो भ्रूण है उसके नाभि में कितना ब्लड का प्रभाव होगा, तो जितना माँ का ब्लड होगा उतना ही जो है ना उसके बच्चों में भी होगा। इसका मतलब होगा कि 100% ब्लड का फ्लो होगा। याद रखिएगा जितना माँ में ब्लड होगा उतना ही नाभि के माध्यम से बच्चों में भी ब्लड का फ्लो होगा, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि इम्प्लांटेशन से पहले मतलब गर्भ धारण करने से पहले भ्रूण को कौन पोषण देता है। बहुत बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन, जैसे आप लोग सोचते हैं, आपको मैंने क्लास में बताया था कि जब कोई बच्चा माँ के गर्भ में एस्टेब्लिश्ड हो जाता है तो माँ के आहार नाल से एक नली जुड़ी होती है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा नली। माँ जो भी खाएगी वही भोजन का कुछ भाग जो है बच्चों को भी मिलता है। लेकिन मान लीजिए कि जब तक ये आहार नली या प्लेसेंटा से बच्चे नहीं जुड़ते हैं, यानी इम्प्लांटेशन से पहले मतलब पूरे 7 दिन तक, मैंने आपको बताया ना कि इम्प्लांटेशन की क्रिया होने में पूरे के पूरे 7 दिन का समय लगता है, तो इस 7 दिन से पहले क्या होता कि बच्चों में पोषण कहाँ से आता है, क्योंकि उस समय तो बच्चों के प्लेसेंटा नहीं जुड़ा रहता, नाभि से माँ के आहार नाल के बीच कोई नली जुड़ी नहीं होती है, तो फिर ये 7 दिन तक बच्चे पोषण कहाँ से लाते हैं। ये जो जायगोट जो है लगातार विभाजित होकर के ये इंडोमेट्रियम की ओर बढ़ रहा है, इस समय इसको पोषण कौन देता है, तो इस समय इसको पोषण देने का काम करता है कि वह अपने ही योल्क में एनर्जी रखता है और उसी एनर्जी से ये 7 दिन काम करता है। और 7वें दिन के बाद जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, जायगोट जो है वो यूटेरस के इंडोमेट्रियम में स्थापित हो जाती है, तो फिर वहां से प्लेसेंटा एक नली जुड़ जाती है माँ के आहार नाल से और अब माँ जो भी भोजन करेगी उसका कुछ अंश जो है बच्चों में भी जाएगा। लेकिन जब तक ये जुड़ी नहीं होती है तब तक वे अपने ही योल्क से एनर्जी लेता है और ये प्रक्रिया लगभग इन्होंने को 7 दिनों तक करनी है। तो याद रखिएगा 50 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 50 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए बच्चों यहाँ लिखा है हीमो, जब भी हीमो लिखा है HEMO समझ जाइए कि इसमें मानव का जिक्र है, क्योंकि मानव का वैज्ञानिक नाम ही होमो सेपियंस है। तो यहाँ पर क्या कि हीमोकोरियल प्लेसेंटा किसमें पाया जाएगा, तो ऑटोमेटिक है हीमो का मतलब मानव, तो मनुष्य में ये प्लेसेंटा पाया जाएगा। यानी हम लोग जब माँ के गर्भ में डेवलप कर रहे होते हैं तो उस समय हमको एनर्जी देने के लिए माँ के आहार नाल और हमारी बॉडी में एनर्जी को रिश्यूट करने के लिए बीच का जो एजेंट होता है उसको बोलते हैं प्लेसेंटा या अपरा, तो ये इसी को बोलते हैं हीमोकोरियल प्लेसेंटा। तो ये जो हीमोकोरियल प्लेसेंटा है ये किसमें पाया जाएगा, तो याद रखिएगा ये मनुष्य में
पाया जाता है। तो 51 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता किसके भ्रूण में परजीवी की तरह पोषण होता है। परजीवी, परजीवी का मतलब होता है कि किसी जीवित जीव के शरीर में रहकर और उसी का जो है ना शरीर से एनर्जी को लेकर के अपने लिए ऊर्जा की प्राप्ति करना कहलाता है परजीवी। क्या कहलाता है? परजीवी। तो बताइए कि किसके भ्रूण में परजीवी की तरह पोषण होता है। तो मनुष्य में जितने भी मनुष्य है ना, जब तक माँ के गर्भ से बाहर नहीं निकलते हैं तब तक वो क्या करता है कि माँ के ही गर्भ से क्या करता है, एनर्जी लेता है और उसको एनर्जी को लेकर के वो अपने लिए भोजन बनाता है। तो परजीवी की तरह कौन ट्रीटमेंट कर रहा है माँ के गर्भ में, तो याद रखिएगा परजीवी के तरह करता किसमें, स्तनधारी में। स्तनधारी के अंतर्गत कौन आता है? मानव भी आता है। याद रखिएगा स्तनधारी के अंतर्गत कौन आता है? मानव। हाँ, 58 तक है, 8 हो रहे। चलिए, तो क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा कि किसके भ्रूण में परजीवी की तरह पोषण होता है। परजीवी का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि क्या, कि किसी जीव में रहकर उसी से एनर्जी लेकर के अपने लिए पोषण करना। तो प्रत्येक मानव भी तो वही कर रहा है। क्या कर रहा है कि माँ के गर्भ में डेवलप हो रहा है, माँ के ही भोजन से एनर्जी ले रहा और अपने आप का विकास कर रहा है। तो हमारा जो 52 होगा इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी 52 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता गर्भाशय में ड्यूक्विडा बाहर कब आ जाता है। देखिए ड्यूक्विडा का मतलब क्या होता है कि प्लेसेंटा अपारा, जो कि बच्चों के नाभि के माध्यम से माँ के आहार नाल में जुड़ा होता है। बच्चों के नाभि के माध्यम से माँ के आहार नाल में जुड़ा होता है। तो जब बच्चे जन्म लेते हैं ना, तो उसके जन्म के कुछ ही देर के बाद ये प्लेसेंटा भी है ना माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है। तो शिशु के जन्म के कुछ देर के बाद ये जो ड्यूक्विडा है ये भी क्या होता है, मतलब माँ के शरीर से बाहर आ जाता है। तो 53 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि शिशु के जन्म के बाद। क्या सही बताए ना कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद प्लेसेंटा अपारा, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है जो कि उस समय बच्चों के नाभि से जुड़ा हुआ था या बच्चों के अगल बगल में वो पाया जाता था, वो सब जो है ना महिलाओं के गर्भ से बाहर आ जाता है। चलिए अगला सवाल हमारा है कि स्तनधारी में अंड में कैलिबेज होता है। ये जो कैलिबेज होता है ये होलोब्लास्टिक होता है। होलोब्लास्टिक का मतलब होता है इसमें लगातार विभाजन होता है। लगातार इसमें क्या होता है जी, विभाजन होता है। तो जब जायगोट लगातार विभाजित हो तो विभाजन की इस प्रक्रिया को हम लोग होलोब्लास्टिक कहते हैं। तो याद रखिएगा कि स्तनधारी में अंड में कैलिबेज होता है। कैसा कैलिबेज होता है? तो होलोब्लास्टिक होता है। कैसा कैलिबेज होता है? होलोब्लास्टिक होता है। तो 54 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर सवाल है कि इंटरमीडिएशन कैलिबेज किस में पाया जाता है। तो याद रखिएगा ये केसुरकी में पाया जाता है। केसुरकी का मतलब होता है जंतु, क्योंकि अभी हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो याद रखिएगा ये जो विभाजन है किसमें पाया जाएगा, केसुरकी में पाया जाएगा। तो 55 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 55 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहता मादा मतलब औरत में निषेचन अंडे का प्रतिस्थापन गर्भाशय में कब होता है। तो याद रखिएगा जैसे मान लिए कि यहाँ पर स्पर्म है और ओवा, ये दोनों मिल गया और इसके मिलने से बना लिया जायगोट, और ये जायगोट अब लगातार 7 दिनों तक विभाजित होगा और 7वें दिन जो है ना ये जाकर के यूटेरस में, और यूटेरस में भी कहाँ, यूटेरस की जो आंतरिक भित्ति होती है इंडोमीटेरियम, यूटेरस की जो आंतरिक भित्ति होती है इंडोमीटेरियम, उस इंडोमीटेरियम में जाकर के स्थापित हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मादा यानी औरत में निषेचन के बाद ये जो जायगोट है कितने दिनों के बाद यूटेरस में जाकर के स्थापित हो जाता है। तो याद रखिएगा कि निषेचन के 7 दिन के बाद ये यूटेरस में जाकर के स्थापित हो जाता है, और जब ये यूटेरस में स्थापित होता है ना उस दिन से महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती है। तो याद रखिए जैसे कोई महिला को ऑपरेशन किया 1 तारीख को, अब 1 तारीख को इसका ऑपरेशन हुआ तो ये 7 तारीख में तक में क्या होगा कि अगर स्पर्म और वापस में मिला ना तो ये जाकर के इम्प्लांटेशन होगा। कहाँ पर? यूटेरस में। कहाँ होगा? यूटेरस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 56 का डी नंबर। 57 सवाल हम लोग देखते हैं कि कहता लेंस और लेटिना किसका बना होता है। मैंने आपको शुरू में बताया कि जितना भी मानव अंग है या तो मीसोडर्म, एक्टोडर्म या फिर
इंडोडर्म का बना होता है, तो यहाँ पर कहता है लेंस और रेटिना, तो किसका बना होगा? एक्टोडर्म का बना होता है। पाचन और यकृत, ये किसका बना होता है? ये इंडोडर्म का बना होता है। मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि आप लिस्ट याद करके रख लीजिए, क्योंकि तीन प्रकार के जनन परतें होती है, इंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीसोडर्म। इसी से हमारा होल बॉडी की जो अलग अलग पार्ट है ना, उसका निर्माण हुआ होता है। तो किन किन जनन परतों से किन किन अंगों का निर्माण हुआ, ये आप निश्चित रूप से याद कर लें। तो हमारा जो 58 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देख रहे हैं कि तभी क्या हो सकता है यदि अंडाणु और शुक्राणु दोनों एक ही समय में संकीर्ण स्थल के संधि पथ पर पहुंच जाए। यानी इसका मतलब है कि फिलोपियन ये नलिका है, पहले से यहाँ ओवा है और इससे जाकर के स्पर्म मिल जाए, इससे जाकर स्पर्म मिल जाए। तो आप सबको पता है, और जो जो बायोलॉजी पढ़ते हैं सबको पता है कि जब स्पर्म और ओवा आपस में मिलता है तो इस क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और हिंदी में इसको हम लोग निषेचन कहते हैं। तो जब स्पर्म और ओवा मिले तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे जी? निषेचन कहते हैं। तो 59 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।